हेलो फ्रेंड्स, बिहार एपीओ मेंस के पर्पस से मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ राज्यों के नाम, उनकी राजधानियां और किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, उनसे संदर्भित एक छोटा सा वीडियो। इसमें हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट राज्यों की। भाई जो हिंदी भाषी राज्य हैं वो तो सभी को पता रहते हैं, भाई मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ये तो हिंदी भाषी राज्य हैं। पर ऐसे राज्य जिनकी लैंग्वेज हिंदी के अपोजिट या हिंदी से अलग है, दूसरी लैंग्वेज को उन्होंने प्रेफरेंस दिया हुआ है, हम उन राज्यों पर चर्चा करेंगे। या नॉर्थ ईस्ट के या उत्तर पूर्व के ऐसे राज्य जिन्होंने इंग्लिश को प्राथमिकता दे रखी है, या फिर अपने क्षेत्र की किसी, अपने स्टेट की किसी विशेष भाषा को। या दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें जहां पर उन्होंने हिंदी को प्राथमिकता ही नहीं दी, इंग्लिश और अपनी लैंग्वेज। तो हम उन्हीं पर आज चर्चा करने वाले हैं। कुछ मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और जम्मू, ठीक है। और यहाँ की जो भाषा है वो कश्मीरी है, उर्दू है और डोंगरी, तीन भाषाएं यहाँ पर बोली जा रही है। कौन कौन सी? कश्मीरी, उर्दू और डोंगरी। अगला है पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है पंजाबी। हरियाणा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और भाषा है हरियाणवी। भाई चंडीगढ़ दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है और अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश भी है, याद रखिएगा। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और भाषा है राजस्थानी। गुजरात, गुजरात की राजधानी गांधीनगर और भाषा है गुजराती। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और भाषा है मराठी। गोवा, गोवा एक छोटा सा राज्य है, राजधानी है पणजी और भाषा है कोंकणी भी बोली जाती है और मराठी भी बोली जाती है। कर्नाटक, कर्नाटक राज्य की राजधानी बंगलुरु और भाषा है कन्नड़। क्लियर? तो यहां पर मैंने जम्मू कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक के राज्य आपको नोट करवा दिए। कुछ और राज्यों की बात करते हैं। यहां पर केरल, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम है और यहां की जो लैंग्वेज है वो है मलयालम। बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और भाषा है तमिल। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और भाषा है तेलुगु। आंध्र प्रदेश से ही विभाजित होकर बना है तेलंगाना और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और यहां भी बोली जाती है तेलुगु भाषा। उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और उड़ीसा में बोली जाने वाली लैंग्वेज है ओडिया। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और भाषा है छत्तीसगढ़ी। वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, राजधानी है कोलकाता और भाषा है बंगाली। आगे बात करते हैं झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची और यहाँ की जो भाषा है वो है बिहारी और हिंदी। दो भाषाएं बोली जाती हैं झारखंड में, बिहारी भी बोली जाती है और हिंदी भाषा भी बोली जाती है। बात करते हैं बिहार, राजधानी पटना, यहाँ बिहारी बोली जाएगी, मैथिली, भोजपुरी और मगही, चार भाषाएं यूज होती हैं बिहार में, बिहारी, मैथिली, भोजपुरी और मगही। आगे बात करते हैं असम की। असम, असम की राजधानी दिसपुर और यहाँ की जो भाषाएं हैं वो असमिया और बोडो, दो भाषाएं बोली जाती हैं। मणिपुर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल और भाषा है मणिपुरी। पूर्वोत्तर भारत में जितने और राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, उनकी उन्होंने प्राथमिकता दे रखी है इंग्लिश भाषा को, ठीक है। वो मुख्यतः कौन सी भाषा बोलते हैं? इंग्लिश भाषा बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, नीचे मैंने नोट डालकर कुछ राज्य लिखे हुए हैं, जैसे मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल है, उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ, उत्तराखंड राजधानी देहरादून और गैरसैंण, दो राजधानियां इसकी, और हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला और धर्मशाला। यहाँ हिंदी भाषी राज्य, ये चार जो हैं मुख्यतः भारत के हिंदी भाषी राज्य हैं। भाई हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, सभी राज्यों में बोली जाती है, पर इन राज्यों ने हिंदी को ही प्राथमिकता दी रखी है। चलिए, ओके।